हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस से संबंधित बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें करना क्या अपने को, इसके स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। हमें एग्ज़ाम में ये फिलअप करना पड़ेगा। देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनका यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट यदि आपका हो सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो उस कंडीशन में एचसी के रूप में इस टेंस में हम इज लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट आपका हो प्लूरल तो हम क्या लगाएंगे, आर, और सब्जेक्ट के रूप में यदि आपके पास आ जाए आई तो आई के लिए हम क्या लगाएंगे इस टेंस में, एम लगाएंगे। और ये देखो वी के साथ में आईएनजी, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। ये बात और ध्यान दें कि जो आईएनजी है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं आता। तो अगर यदि इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलना पड़े, कहने का मतलब है यदि ब्रैकेट में हमें नोट दे रखा हो तो क्या करेंगे, थर्ड पोजिशन पर नोट आ जाएगा, और उस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और थर्ड नंबर पे नोट लग जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। यदि आपको सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो, ब्रैकेट में नोट दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम ये फिलअप करेंगे इज, एम, आर, नोट, प्लस में आईएनजी। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एडवर्ब्स कौन कौन सी आती हैं। इसमें जो एडवर्ब्स आती हैं वो इस प्रकार है, देखो, नाउ, टुडे, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, डे बाय डे, और नाउ ए डेज। इसमें देखो ये जो दे रखा आपको एट दिस टाइम, यहाँ पर एट द टाइम भी आ सकता है भाई, जैसे यहाँ पे है आर्टिकल द, और यहाँ पर दिस भी आ सकता है, जैसे एट दिस मोमेंट, और इसमें जैसे एट द टाइम, इस प्रकार से भी इसको दे सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस में इनमें से कोई भी एडवर्ब मिले, इट मींस वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा, और ऐसी कंडीशन में हम जो आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है उसमें हम इज, एम, आर, प्लस में आईएनजी फॉर्म फिलअप करेंगे। और यदि आपको ब्रैकेट में नोट दे रखा है तो उस कंडीशन क्या करेंगे, इज, एम, आर, प्लस नोट, प्लस में आईएनजी फॉर्म, ये हम फिलअप करेंगे। अब हम कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखो जैसे ये है एग्जांपल्स, राधा वियर्स ए साड़ी बट टुडे शी ब्लैंक स्पेस ए सूट, ब्रैकेट में हमें दे रखा वियर। अब देखो सबसे पहले इसमें हमें पहचान क्या दे रखी है, एडवर्ब क्या है, हमारे पास एडवर्ब क्या है, टुडे। ये बता रहा है कि जो आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब ब्रैकेट में देखा आपको वियर, इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इस स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। हमें क्या फिलअप करना है यहाँ पे, इज, एम, आर, प्लस में आईएनजी। तो सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट क्या आपका, शी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, इज, और ब्रैकेट में क्या दे रखा आपको वियर, इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, वियरिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज वियरिंग। नेक्स्ट देखो, दे अलॉट दीज डेज, इसमें हमें क्या दे रखी है एडवर्ब, दीज डेज, ये है हमारी पहचान, ये इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट क्या आपका, दे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हम लगाते हैं इस टेंस में आर।
ब्रैकेट में क्या दरखा आपको, अर्न, इसमें हम जोड़ देंगे आई एन जी और ये बन जाएगा अर्निंग। तो हमारा आंसर क्या बना, आर अर्निंग। नेक्स्ट देखो, शी क्लोथ एट दिस टाइम ब्रैकेट में वॉश। अब देखो इसमें एडवर्ब क्या मिली आपको, एट दिस टाइम, इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब सब्जेक्ट पर ध्यान दें, शी सिंगुलर है और सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं इज, और वॉश में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा वॉशिंग। तो हमारा आंसर क्या बना, इज वॉशिंग। नेक्स्ट, आई ए न्यूज़पेपर नाउ, ब्रैकेट में है रीड, हमारे पास एडवर्ब क्या है इसमें नाउ, सब्जेक्ट पे ध्यान दें, सब्जेक्ट क्या आपका आई, और आई के साथ में इस टेंस क्या लगता है एम, और रीड क्या क्या बन जाएगा रीडिंग। तो आंसर आपका बनेगा एम रीडिंग। नेक्स्ट देखो, ही फॉर जयपुर टू नाइट, ब्रैकेट में लीव, एडवर्ब क्या देखिए अपने को टू नाइट, टुडे भी आ सकता है या टू नाइट भी आ सकता है, एक ही बात है। फिर ये है आपकी एडवर्ब टू नाइट, और सब्जेक्ट क्या आपका ही, और ही के साथ में क्या लगता है इज, क्योंकि सिंगुलर है ये, और लीव में क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, ये बन जाएगा लीविंग। ध्यान रखना यदि लास्ट में ई आ जाए और आईएनजी जोड़ना पड़े तो ई क्या होगा आपका कट जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी ए स्वेटर एट दिस सॉरी एट द मोमेंट, ब्रैकेट में क्या है नेट। तो ये हो गया आपकी एडवर्ब, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर, तो क्या करेंगे इज, और नेट में क्या करेंगे आईएनजी, ये बन जाएगा नेटिंग। नेटिंग होता नेट बुनना। अब इसमें ध्यान दें भाई, देखो लास्ट में क्या दरखा आपको टी, जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है कॉन्सोनेंट, यदि लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले वोवल आ जाए तो जो अंतिम लेटर है अक्षर है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है डबल टी किया है। अब नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड टेम्परेचर डे बाय डे, इसमें हमें क्या मिला एडवर्ब के रूप में डे बाय डे, सब्जेक्ट क्या आपका वर्ल्ड टेम्परेचर, देखो जो टेम्परेचर है वो है अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल होता है कहने मतलब हम गिन नहीं सकते एक दो या चार ऐसे, अनकाउंटेबल हो सब्जेक्ट तो उसके लिए हम इस टेंस में इज लगाते हैं, इट मीन्स हम उसे सिंगुलर मानते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे इज, ब्रैकेट में क्या है इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या बन जाएगा इंक्रीजिंग, लास्ट में ई है ई हट जाएगा और क्या करेंगे आईएनजी जोड़ेंगे, हमारा आंसर बनेगा इज इंक्रीजिंग, द वर्ल्ड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखो एक इस सेंटेंस में एक बात ध्यान दें कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, अब हम वो कर रहे हैं एक बार। अब देखो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, टच, फील, अपीयर, सीम, होप, प्रेफर, वॉन्ट, विश, प्लीज, पजेस, हैव, ऑन, बिलोंग, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकग्नाइज, बिलीव, एटसेट्रा। कुछ एक फॉर्म्स है ये कि इनका जो यूज है कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, कहने का मतलब है इनके साथ आईएनजी नहीं लगता। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है हमें एडवर्ब तो इस टेंस की देते हैं ठीक है, और लेकिन जो ब्रैकेट में फॉर्म है जो वर्ब है
वो इनमें से कोई आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे आंसर को, देखो जैसे कि दीज डेज शी इन गॉड ब्रैकेट में बिलीव, देखो हमें एडवर्ब दे रखी है दीज डेज, इस एडवर्ब को देखकर हम क्या करते हैं, इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाओ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचान सॉरी वो स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट इज ए मार प्लस में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखा और क्या किया, हम बना देंगे शी है तो क्या करते हैं अपने इज, और बिलीव में क्या करेंगे अपने बिलीविंग ये कर देंगे, नॉर्मली देखते हैं अपने, क्यों हमने पहचान देखी इसने बताया ये टेंस है, स्ट्रक्चर क्या होती है इज ए मार आईएनजी, तो अपने ये कर दिया, लेकिन ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखो बिलीव ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी यूज नहीं होता, ये जो वर्ब्स हैं ये स्टेबल होती हैं तो यस या फिर नो, ये नहीं है कि बिलीव मैं कर रहा हूँ, बिलीव करता हूँ या नहीं करता। तो क्या करना आपको, देखो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, एडवर्ब दे रखी है इस टेंस की लेकिन ब्रैकेट में जो वर्ब है उसमें आईएनजी नहीं लगता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये बता रहा है इस टेंस, तो क्या करेंगे इसका जस्ट जो पहला टेंस है, इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, तो इसे जस्ट पहला जो टेंस है उसमें हम लेके जाएंगे, इससे पहले क्या कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की स्ट्रक्चर से इसको हम फिलअप करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो शी सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे बिलीव का क्या बन जाएगा, बिलीव, तो ये आपका आंसर होगा न कि ये। ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो आपको पहचान दे रखी है टेंस की उससे जस्ट पहले वाला टेंस है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। अब देखो जैसे आई हर नाउ ब्रैकेट में है नो, इसने क्या बताया ये टेंस, वर्ग फर्स्ट में आईएनजी लगाना आपको, लेकिन नो में आईएनजी नहीं लगता, तो क्या करेंगे इससे जस्ट पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें क्या लगता है वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, सब्जेक्ट आपका आई है जो कि थर्ड पर्सन नहीं है, तो क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, तो आपका आंसर होगा आई नो यू सॉरी आई नो हर नाउ, ये बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो शी ए कप ऑफ टी एट दिस मोमेंट, इसने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ब्रैकेट में क्या है want, जिसमें आईएनजी नहीं लगता, तो जस्ट पहला टेंस कौन सा आपका इंडेफिनेट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे want है तो क्या बन जाएगा wants, ये एग्जाम में इस बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान दें। सिर्फ ये जो वर्ब्स हैं इनको आपको लर्न करना है, कुछ एक वर्ब्स हैं अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं ये, फिर हम करेंगे नेक्स्ट टेंस।